Sing that shit. दोस्तों प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है। तो इसमें आपको गूगल और फेसबुक से लॉगिन करने के ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं अपना गूगल के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद साइड में आपको कीबोर्ड कवरेज मिलता है और एक्यूरेसी और कुछ स्पीड कितनी रही आपकी, वो सभी डिटेल्स मिल जाती हैं। साइड में आपको लेसन्स का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको 600 से 700 लेसन्स दिए गए हैं जिन्हें आप कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लेसन्स दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इतने लेवल तक पहुँच जाएंगे तो आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि आप एक साइकिल की रफ्तार से अपना टाइपिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बाइक की स्पीड से आप टाइप कर पाएंगे जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और लास्ट में जब आप सभी लेसन्स अपने कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक रॉकेट की रफ्तार से टाइपिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला लेसन स्टार्ट कर देते हैं। आपको इन लेसन्स में वीडियोस भी मिल जाते हैं जिससे आप कीबोर्ड के बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप अपने टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इतनी जल्दी लेसन 11 में आ गए हैं। तो स्टार्टिंग में आप ये लेवल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप और लेवल्स में जाएंगे वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसन 14 में आ गए हैं और अब आपके वर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ऑल, एड्स, फॉल, वैसे वैसे आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। इसमें आपको स्टार्स भी दिए जाते हैं, इसमें आपको स्कोर भी अपना देखने को मिलता है हर एक लेसन्स के हिसाब से। इसके साथ लेसन्स में आपको गेम्स भी मिलते हैं बीच में। इसमें आपको बहुत से गेम देखने को मिल जाएंगे जब आप लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ आपको इसमें मेडल्स भी मिलते हैं। आप जितने लेसन्स कंप्लीट करेंगे आपको उस हिसाब से मेडल्स मिलेंगे कि आज आपने एक घंटा काम किया है या आपने इतनी प्रोग्रेस की है, तो उस हिसाब से आपको ये मेडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस भी मिल जाती है लेसन्स के अंदर ही। आप जे दबा के अपने लेफ्ट हैंड से टाइपिंग कीजिए जिससे आपका फोकस आपके दोनों हाथों पर रहे। आपको ये साइड से या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर एक तरफ से आपकी हर एक वर्ड की प्रैक्टिस कराता है। यहाँ से आप डायरेक्ट मेन्यू में जा सकते हैं।
मेन्यू में आप देख सकते हैं मैंने 18% कीबोर्ड कवर कर लिया है टाइपिंग में और 94% मेरी एक्यूरेसी रही है। और मैंने इतनी देर काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैंने 5 मिनट किया और वीक में मैंने 3 मिनट काम किया है। यहाँ पे आपको स्टार्स मिल जाते हैं, स्कोर्स मिल जाता है, आपका कितना स्कोर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लेवल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आपको 3% प्रोग्रेस और स्कोर इतना ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये वेबसाइट फ्री है लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पे करने की। अगर आपके सामने पे करने का ऑप्शन आता है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वीडियोस के ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, यहाँ पे गेम दिया गया है। यहाँ से आप और भी ट्यूटोरियल ऐड कर सकते हैं और भी लेसन, कि आप अगर एक लेफ्ट हैंड से ही टाइप करना चाहते हो तो आप केवल लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करना सीख सकते हैं, या केवल आप राइट हैंड से भी टाइप करना सीख सकते हैं। लेसन्स आपको सेम ही मिलते हैं, बस आपका टाइपिंग का एक हाथ से ही टाइपिंग के लिए ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको वही सेम वीडियो मिल जाती है। यहाँ पे आपको की कहता है कि एक हाथ का कीबोर्ड आप अपडेट कर दें। यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले अपना ये टाइप कीजिए FJ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक हाथ आया। अगर आप एक हाथ से टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ को ऐसे रख के और यहाँ पे ये टाइप कीजिए। तो आप चाहें तो अपने एक हाथ से टाइपिंग करना भी सीख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको लेसन दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने मेडल्स चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से मेडल्स मिले हैं और कौन कौन से आपको मिलने रहते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी एक्यूरेसी रही या आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे आप डेली, वीकली और मंथली का अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कीबोर्ड पे भी दिखाया गया है कि आपकी कौन सी की पे आपका ज़्यादा फोकस रहा है और कौन सी पे आपका नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फिंगर्स का दिया दिखाया गया है कि आपको कौन सी फिंगर से ज़्यादा फोकस रहा है, या आप यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है कि आपने इस दिन ज़्यादा काम किया या थोड़ा काम किया है। यहाँ इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको अलग अलग पूरा कंप्लीट स्टेटस दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।